खबर नालासोपारा फाटा स्थित अवधूत आश्रम के पास की है, जहां चौधरी धर्मकांटा के सामने प्लास्टिक कंपनी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से भीषण आग लग गई। यह आग लगभग 12:30 बजे के आसपास लगी बताई जा रही है। कंपनी में आग लगने के कारण कमलेश यादव 38 वर्षीय इंद्रराम बड़गुजर 49 वर्षीय संतोष मौर्य 28 वर्षीय आग की चपेट में आने से बुरी तरह जख्मी हो गए। जख्मी लोगों को उपचार के लिए प्लैटिनम नामक अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां इनका उपचार किया जा रहा है। वहीं आग से लाखों का नुकसान हुआ है। इस घटना की सूचना स्थानीयों द्वारा प्रशासन को दी गई। सूचना मिलने के बाद आग लगने के काफी समय बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी घटना स्थल पर पहुंची। हालांकि इस आग के बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू कर आग को बुझाया, तब कहीं स्थानिकों व पुलिस अधिकारियों ने राहत की सांस ली। एशिया नालासोपारा से मयंक रावत की एक खास रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, ये जो आग लगी है कितने बजे लगी है? एक्चुअली टाइम फोन नहीं मालूम, लेकिन हमारा जो फोन मिला 108 से उसकी टाइम हम आपको बता सकते हैं। अच्छा, तो भी लगभग कितने बजे? हाँ बता रहा हूँ, हमको 108 एम्बुलेंस इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा जो है उसके थ्रू टाइम इंफॉर्मेशन मिली है। वो टाइम है 12:27 पे की ये घटना है। हाँ। इसमें कितने आदमी जख्मी हुए हैं? इसमें हम लोगों को 3 आदमी इंजर्ड मिले। अच्छा, कैसे सूचना मिली आपको? अब यहाँ से किसी आदमी ने कॉल किया है, 108 पर इमरजेंसी सेवा है। अच्छा, एम्बुलेंस 108। अच्छा, जिसका हेड ऑफिस पूना है। उन लोगों ने हमारे पायलट को इन्फॉर्म किया और फिर हम लोग यहाँ आए। यहाँ हमने पेशेंट लिया और ले जाकर के उनको हॉस्पिटल पहुँचा दिया। 3 लोग इसमें घायल हैं? 3 लोग घायल। किस अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया? प्लैटिनम हॉस्पिटल रेंज ऑफिस। सही है।